राजन हाओ हाओ राजन भैया लो हम लिए दे रहे हैं भाभी नगर पालिका में परिवर्तन हो गई टीचर हो गई हमारे भाई साहब प्रचंड जी तो मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप क्या कहेंगे? इस चुनाव में भगवान जुगल किशोर जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता, आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी सफलता, 29 की 29 सीटें लोकसभा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। विधानसभा में भी आशीर्वाद मिला था और लोकसभा के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प जनता ने आज पूरा किया है। एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में फिर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे, भगवान का आशीर्वाद है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो अथक मेहनत और परिश्रम किया तो 29 की 29 सीटें हम प्रदेश के अंदर जीते हैं। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली है। आज तक के इतिहास का सर्वाधिक वोट शेयर मध्य प्रदेश के अंदर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जब फाइनल आंकड़े पूरे आएंगे तो मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम है कि इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है उसका परिणाम आज खजुराहो लोकसभा के अंदर भी हर बूथ पर चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक बहुमत के साथ जनता ने आशीर्वाद दिया है। क्षेत्र की जनता के प्रति हृदय से आभार और धन्यवाद और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत शुभकामनाएं। क्या प्राथमिकता रहेंगी? प्राथमिकता तो देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास और गरीब कल्याण पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की रही। एक नई कार्य संस्कृति का विकास माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर किया है। बुंदेलखंड पर, खजुराहो पर विशेष आशीर्वाद रहा। तो जो विकास और गरीब कल्याण को लेकर के काम है, पन्ना से लेकर के कटनी, राजनगर, चंदला, सभी क्षेत्र में हर प्रकार से चिकित्सा से लेकर के स्वास्थ्य, एजुकेशन से लेकर के इस क्षेत्र के विकास के लिए भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो औद्योगिकीकरण से लेकर इस क्षेत्र के अंदर पानी, किसान, गरीब सारी समस्याओं के समाधान के लिए भगवान का आशीर्वाद रहा और आशीर्वाद है। तो हम इस बार हर प्रकार से काम करते हुए जनता के लिए सेवा करने का जो पुनः अवसर दिया है तो हर प्रकार से समर्पित होकर काम करने का प्रयास। दिग्विजय सिंह क्लीन बोल्ड हो गए? दिग्विजय सिंह क्लीन बोल्ड तो हो ही गए और जनता ने उन्हें बहुत पहले ही नकार दिया था। कमलनाथ भी क्लीन बोल्ड हो गए, बहुत क्रिकेट खेल रहे थे चुनाव के दौरान, लेकिन ये भगवान का दरबार है, यहाँ इस परिसर में हम किसी की आलोचना नहीं करना चाहते, हम तो सकारात्मक राजनीति करते हैं। लेकिन जो आशीर्वाद मिला है जनता का और सेवक की भूमिका में आकर के, ये जो आप देख रहे हैं कि जुगल किशोर भगवान का जो परिसर है ये भी ऐतिहासिक परिसर, भगवान ने जो आशीर्वाद दिया उसके आधार पर हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से कटनी के विकास के लिए और खजुराहो जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसके विकास के लिए, नौजवानों के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे सब मिलकर के टीम भावना से हम सब काम करेंगे। हम केंद्र के प्रभावशाली मंत्री से बात कर रहे हैं। जुगल किशोर भगवान के सेवक के नाते से आप बात कर रहे हैं, मैं सेवक हूँ भगवान का और जनता का सेवक हूँ, इसलिए जनता ने जो आशीर्वाद दिया है एक कार्यकर्ता के नाते से काम करने का बेहतर से बेहतर प्रयास है और इसका आशीर्वाद भगवान ने हमेशा दिया है। और इसलिए कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम की ताकत है, इसलिए हम सब तो एक टीम स्पिरिट के साथ मिलकर के काम करते हैं, जो काम मिलता है उसे अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।